नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आईपीएल मेगा ऑक्शन को लेकर इस वक्त तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा का कहना है कि श्रेयस अय्यर ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी बिक सकते हैं। हालांकि आकाश चोपड़ा ने यह भी कहा है कि ईशान किशन सबसे महंगे ओपनर साबित हो सकते हैं मेगा ऑक्शन में। और इसके अलावा उन्होंने श्रेयस अय्यर को दो टीमों में से किसी एक टीम का कप्तान भी बताया है। आकाश चोपड़ा ने अपने बयान में कहा है श्रेयस अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स या रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के संभावित कप्तान हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि पंजाब उनकी ओर देख रहा होगा। ईमानदारी से कहूं तो सबसे महंगे खिलाड़ी श्रेयस अय्यर होने जा रहे हैं। बता दें कि अय्यर को दिल्ली कैपिटल्स ने रिलीज कर दिया था। अय्यर 2015 से दिल्ली टीम का हिस्सा थे। उन्होंने 2018, 2019 और 2020 का सीजन इसी फ्रेंचाइजी की ओर से खेला है। कंधे की चोट के कारण वो 2021 सीजन के पहले चरण में हिस्सा नहीं ले सके थे और यूएई में जब दूसरा चरण हुआ तो वहां पर वो ऋषभ पंत की कप्तानी में खेलते हुए नजर आए। इसके बाद जब रिटेन की प्रक्रिया हुई तो दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें रिटेन नहीं किया। गौरतलब है कि आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले सभी खिलाड़ियों की लिस्ट बीसीसीआई ने अब जारी कर दी है। बीसीसीआई ने 1214 में से कुल 590 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया है, जिन पर 12-13 फरवरी को बेंगलुरु में बोली लगाई जाएगी। जिन 590 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी उनमें से 228 कैप्ड प्लेयर हैं और 355 प्लेयर अनकैप्ड हैं। मेगा ऑक्शन में 48 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका बेस प्राइस 2 करोड़ है, वहीं 20 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका बेस प्राइस 1.5 करोड़ रुपए है। इसके अलावा 34 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका बेस प्राइस 1 करोड़ रखा गया है। अंडर 19 क्रिकेट टीम के भी कई खिलाड़ी इस मेगा ऑक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और उन पर भी ठीक ठाक बोली लग सकती है। आपको बता दें कि मेगा ऑक्शन 12-13 फरवरी को बेंगलुरु में होगा और 12 फरवरी को दोपहर 12 बजे से मेगा ऑक्शन शुरू होगा।